बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम आए हैं सुन्नी नारेलवाड़ी कब्रिस्तान में, हराई रोड पे, जहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के कुछ ट्रस्टी। उनका नाम है मोहम्मद सलीम यूसुफ खान जी, जो कि यहाँ के ट्रस्टी मेंबर हैं। आज हम उनसे मालूमात करेंगे, जो कल जो शाबे बारात का जो त्यौहार बनाया जाएगा, उस बारे में हम जानकारी लेंगे उनसे और पूछेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके की जो यहाँ पर फैसिलिटी जो है लोगों के लिए की गई है। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल शाबे बारात का रात है, बहुत बड़ी रात है मुसलमानों के लिए, लोग नमाज की तिलावतें करते हैं, कब्रिस्तान में आते हैं लोग, और बहुत से लोग जो है दरगाह जाते हैं, ठीक है। तो कब्रिस्तान में आप लोगों ने, आपके ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या बंदोबस्त लोगों के लिए किया है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे कम से कम 100 वॉलंटियर के, क्या आपको किस तरह चलना है, किस तरह प्रे करना है, दुआ मांगना है कब्रिस्तान में, कब्रों के ऊपर किस तरह जाना चाहिए, किस तरह नहीं जाना चाहिए, और ख़ास करके इसमें छोटे बच्चों और औरतों को हम मना करते कि इस रात में, कम से कम इस रात में ना, क्राउड की वजह से, भीड़ की वजह से। साथ में हमारे साथ में भाई कल्ला पुलिस चौकी का पूरा ताउन होता है, जो पूरे एरिया को कवर करके रखते हैं। भाई कल्ला गिलोरिया से लेके तो तुम्हारा मचगांव सर्कल, डाकिया रोड, गुड़देव, ये चारों तरफ से हम गाड़ियों को जो है आने जाने के लिए 5-6 बजे के बाद से बंद कर देते हैं, और पब्लिक पैदल उतना दूर से चल के आती है। थोड़ा बहुत अगर गाड़ी का कहीं स्पॉट है तो रेलवे स्टेशन के पास है। कब्रिस्तान के अंदर फैसिलिटी की बात तो यहाँ जितना हमारे पास हो सकता था, करीब करीब 30-40 हमारे पास लैट्रिन, ये वजू करने का, जो कम से कम 100-150 वजू करने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए, पानी पीने के हमारे पास 6-6 मशीन, कूलिंग मशीन लगी हुई है, और पानी का मैनेजमेंट है। अंदर हमारे जो है राजकार, जो वॉलंटियर्स हैं, वो हर गली के अंदर आपको नज़र आएंगे। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक मेन रास्ता है जो जिधर से आप लोग आए हैं, और एक नंबर में एक छोटा रास्ता है जहाँ से हम एक टाइम थोड़ा पब्लिक को रोकते हैं, अंदर जाने देते हैं, फिर अंदर की पब्लिक बाहर निकलती है। इस तरीके से वो सारी रात हमारा चलता है। वहाँ भी हमारे पुलिस के साथ में जो है कॉपरेट अच्छा रहता है। जैसे कि आपने बताया, आप लोगों की तरफ से पूरी तैयारी रहती है, पूरी फैसिलिटी दी जाती है, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होती है। तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि लोगों का जो आना, जो शुरुआत होता है, जो शुरू होता है, वो किस टाइम से शुरू होता है? वो मगरिब की नमाज से, यानी असर और मगरिब के, यानी करीब करीब अगर हम टाइमिंग देखेंगे तो 6 बजे से जो है, मॉर्निंग 6 बजे तक जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। और कितने बजे से शुरुआत होती है आने की? 6 बजे, शाम से 6 बजे से शुरुआत हो जाती है, तो सुबह मॉर्निंग तक पब्लिक आते और जाते ही रहती है। अच्छा, जैसा कि फ्रंट गेट पे जो आप लोगों ने जो मतलब फैसिलिटी जो लोगों के लिए दिया है, तो पीछे गेट में भी उस तरीके की फैसिलिटी दी है? उसी तरीके की फैसिलिटी जैसे आगे है, बस फर्क यह है कि वो छोटा है गेट, ये बड़ा गेट है, और हम इसके अंदर बीच में एक ब्रैकेट लगाते हैं, जो वन साइड वे बनाते हैं, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का। अच्छा, जैसा कि कब्रिस्तान की कल जो बहुत बड़ी रात है, शाबे बारात जिसे कहते हैं, तो तकरीबन कितने पब्लिक यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, इस बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? इस बारे में तो तकरीबन जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक, वैसे पुलिस तो बतलाती है 3 लाख के करीब, लेकिन हमारे हिसाब से करीब करीब 5 लाख के करीब तो रात में नजर आती है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है आपके यहाँ पर? हाँ, हमारे इधर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, करीब करीब 16 कैमरे हैं। और दूसरा, यहाँ पर समझो कि कोई अगर मतलब छोटी सी बात हो जाए, जैसे कोई किसी का बच्चा गुम गया, और यहाँ पर दुनिया के, हमने सूत्रों के मुताबिक सुना है कि पिट पॉकेट मार वगैरह लोग भी घूमते हैं यहाँ पर, इस रात का फ़ायदा उठाते हैं, इस बारे में क्या जानकारी दोगे आप? इस बारे में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम से अनाउंस करते रहते कि अपना खीसा, अपनी पाकिट, अपना सामान, और पुलिस के साथ ताउन भी करें। अगर आप बैग लेके आते हैं या टोकरी में फूल वगैरह लेके आते हैं, तो आपकी तलाशी ली जाती, बगैर तलाशी के आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। कितने सालों से मतलब जो आप जो बोल रहे हो, जो तलाशी का जो सिलसिला है, वो कितने सालों से? करीब करीब 10-12 साल से हम ले रहे हैं।
किस वजह से, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह जो है, पुलिस भी हमको गाइडलाइन देती है ना कि भाई कोई भी आदमी, आजकल का दौर अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता, कोई हादसा हो सकता है। जैसे मालेगांव बम ब्लास्ट है, और ऐसी कई जगह हुई है, अजमेर शरीफ में हुआ है, कई मस्जिदों में हुआ, कई मंदिरों में हुआ, कई ट्रेन के अंदर हुआ है, रोडों पर हुआ है, तो इसकी वजह से हमको भी थोड़ा होशियार रहना पड़ता है। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि मतलब कल भी, आपका बोलने का मतलब ऐसा ही है ना कि कल भी ये फैसिलिटी मतलब दी जाएगी? कल भी ये फैसिलिटी हमारी रहेगी रहेगी रहेगी, ब्रैकेट लगता है। लोगों को जो है मतलब बिगड़ तलाशी के कोई भी सामान होगा उसकी तलाशी, आदमी की जो है लाइट तलाशी भी लेते हैं हम, इसके बिगड़ नहीं जाने देते हम, वो लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ये सब हर इंसान के लिए बाई से बरकत बने, बाई से निजात बने, निजात की रात अल्लाह ताला सबकी मगफरत करे, अमन व अमान दुनिया में कायम रहे, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी गुजारिश है। लोग इस रात में आए तो दरूद व सलाम के साथ आएँ, कुरान की तिलावत करते आए मैं, और अल्लाह अल्लाह करते हुए यहाँ से जो है रुख्सत हूँ। अल्लाह ताला खैर व आफियत में सबको रखे, पूरे मुल्क को रखे, पूरी दुनिया को रखे, हमारी ये दुआ है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बम्बई प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद करके हम तक पहुँचे। अल्लाह ताला बम्बई प्रेस को कामयाब करे, कामरानी से अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि इन्होंने कहा है कि हर तरफ जो है कैमरे लगे हुए हैं, तकरीबन 16 CCTV यहाँ पर देखने को मिलेगा, और हमने भी जायज़ा लिया इस कब्रिस्तान का, और काफ़ी कड़ा बंदोबस्त रहेगा कल। और ज़्यादा करके लोग जो आएंगे यहाँ पर, उनको तलाशी लिए भी, जिनके हाथ में मतलब फूल वगैरह रहेंगे, उनको तलाशी बिना करें यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बॉम्बे प्रेस, समझित पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।